हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र है, हम सब भी खैरियत से हैं। और जहाँ रहे, खुश रहे, आबाद रहे, तो आज हमारे साथ खा सकते हैं तरबूज सुबह सुबह। क्योंकि कल मैंने आपसे कहा था कि हम बाजी के घर जा रहे हैं, लेकिन हम बाजी के घर नहीं जा सके क्योंकि चाचा आ गए थे। तो फिर चाचा आए तो चाचा तरबूज भी लेकर आए थे, तो वो रात कुछ खा लिया, कुछ अभी हमने कहा सुबह खा लिया, इसको सुबह खाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। रात में भी ठंडा करके खा लिया था और मीठा है तरबूज बहुत। तो चाचा आ गए थे, फिर हम नहीं गए, चाचा के साथ बैठ रहे थे, चाचा चले गए। चाचा ने भी मैच देखना था, लेकिन मैच का जो रिजल्ट है उसने बड़ा दिल खफा करा, बहुत फाइट की और बहुत दिल, बस मैंने तो खैर देखा नहीं, बेटा मोबाइल तो रात तक देख रहा था, लेकिन जैसे उसने बताया कि 7 रन, तो बड़ा दिल खफा हो। मैंने कहा इतना करीब आके भी और अगर ना जीते तो फिर बहुत दिल खफा होता है। तो बस अब क्या कह सकते हैं, खेल खेल में तो कोई जीतता है और कोई हारता है। तो आप लोग आ जाए, मैं ऐसा तरबूज खा ले। तो बस अभी काम वगैरह करना है, मैंने कहा पहले ये खाते फिर नाश्ता करते फिर काम वगैरह भी करते। सुबह वैसे खाने में ना, नाश्ते से पहले खाने में ज्यादा, और नमक डाल के खाने में ना एक अपना ही मजा आता है। तो बस अभी खाते हैं, आप भी आ सकते हैं, मैं सब खा सकते हैं। तो नाश्ता वगैरह भी कर लिया हम लोगों ने थोड़ी देर बाद, और तरबूज खाने के काफी देर बाद हमने नाश्ता की, नाश्ता फिर बर्तन जो है, मैंने कहा कि सबसे पहले जो है ना खीर बना लेती हूँ, तो फिर उसमें रखूँगी तो ठंडी हो जाएगी थोड़ी प्रसाद के लिए, क्योंकि आज मंडे है। ये मैंने चावल है और दूध रख दिया पकने के लिए, आस्ते आस्ते बिल्कुल हल्की आंच पे उसको मैंने छोड़ दिया। और शाद के लिए खीर बना रही हूँ, और फिर कल जा ही नहीं सके तो मैंने कहा चलिए आज जल्दी जल्दी काम खत्म कर लो, तो सुबह ही खीर ही बना लेती हूँ, तो कुछ पकाने का कुछ पका के रख दूँगी काम के लिए। तो संध्या वगैरह करके पूजा करके फिर हम चले जाएंगे बाजी की तरफ। कल नहीं गए थे तो मैंने कहा चले आज चले जाएंगे, तो बस वहाँ जाना है तो उसके लिए जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए। आज धूप बहुत ज़्यादा तेज़ निकली हुई, सही जोर ना 10 तारीख तक मौसम अच्छा बताया था, यानी कि फर्स्ट वीक जो है जून का अच्छा खासा गुजर गया, बहुत मज़े का गुजरा। कि हम बता रहे हैं कि आगे से दोबारा से 43-45 तक टेम्परेचर जाएगा, तो मैंने कहा बस लगता है जून का एक हफ्ता ही अच्छा गुजरा है, अब आगे फिर गर्मी जाएगा, गर्मी तो स्टार्ट होनी है अभी, तो असल गर्मी तो जुलाई और अगस्त में पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सब जगह मानसून की बारिश होती है सिवाय पेशावर की। अब भी यहाँ से थोड़ा सा दूर है पप्पी तक में, 4 सद्दा में बारिश होती है, पेशावर में बारिश नहीं होती जून जुलाई में, बहुत गर्मी होती है और हफ्स भी बहुत होती है। तो बस जल्दी से ये बन जाए तो बस फिर उसके साथ ही देखते कुछ पकाने का, क्योंकि उस दिन आलू लाए थे तो आलू फिर ख़राब हो रहे, आलू तकनीक इतने ज़्यादा, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया कि आलू ख़राब आ रहे, तो मैंने कहा सारे आलू बॉयल कर लेते हैं, अच्छी तरह थोड़े से ही रह गए बस, उस दिन मैंने पका लिए थे आलू की सब्ज़ी, तो उसमें भी बड़ी देर से बनूंगा ना, आलू जब से जल्दी बनते और आलू इतनी देर में, मैंने आस्ते आँच पर छोड़ दिया था, फिर जाके आलू कहीं गले, तो मैंने इसे कुकर में बॉयल करके रख देती हूँ, लेट हो गया तो भत्ता बना लेंगे या चटपस बना लेंगे, तो बस अभी जल्दी से पहले खीर बनाती हूँ, उसके बाद फिर आलू जी। तो खीर तैयार हो गई है, देखिए मैंने लाल मिर्च कर दी बादाम से, कुछ बादाम मैंने अंदर पकने में डाले थे, जब थोड़ी देर खीर पक गई थी तो फिर बादाम डाल दिए, तो कुछ ऊपर से गर्म थी, और आलू मैंने कहा आपको दिखाती हूँ, आलू मैंने बॉईल करने के लिए भी रख दिया, उस टाइम से मैं यही बैठी हुई। ये देखें आलूओं की कंडीशन, 2 से 3 दिन में आलू कैसे हो गए, ये देखें दो पहले मेरे बड़े हो गए, हाँ दो पहले फेंके थे और ये 3 ये हैं देखें, बाकी मैंने बॉयल होने के लिए रख दिया, मैंने कहा बस घर का बना लूँगी आज मंडे, वैसे भी खीर रखती हूँ फ्रिज में ठंडी हो जाए, से पहले मैंने इसे पानी में रख दिया था, ठंडे पानी में बड़े बर्तन में पानी डाल के उसमें रख दिया था, उससे जल्दी ठंडी हो जाती है। तो फ्रिज में एकदम गर्म खीर तो नहीं रखते, गर्म कोई भी चीज़ हो तो एकदम फ्रिज में नहीं रखते, थोड़ी ठंडी करके रखते, जब ठंडी हो गई तो ये और अच्छे से ठंडी हो जाएगी शाम तक। ठीक, तो मैंने आलू बॉयल कर लिए थे और ये भरता भी बना लिया, देखिए जो हमारे घर में खाया जाता था ना वही वाला, बस इसमें और कोई चीज़ नहीं जाती, इसमें मैंने प्याज डाली है, सब्ज़ मिर्चें डाली है, नमक, लाल मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी कुटी मिर्चें, और दोपहर में खाते थे मेरे अब्बू बहुत शौक़ से खाते थे, अक्सर बनाते थे हम लोग ये भरता, और साथ जो इमली की चटनी मैंने आपको बताई थी वो वाली, जो बगैर पकाए बनाते थे वो देते इमली और नमक मिर्च डालते दही वालों के साथ जो बनाई थी। तो मैं इसको तड़के वाला बना रही हूँ, तो मैंने 3 बड़े टमाटर लिए, 3-4 सब्ज़ मिर्चें लिए, तो इसको मैंने काट लिए, ऑयल मैंने रख दिया था, इतने ज़्यादा आलू में ये आलू बचे, बाकी सारे आलू ख़राब हो गए, पहले भी 2-3 दफ़ा मैंने फेंके, तो और बस ये हो जाए, इसमें नमक डाल दूँगी और भरता डाल के जब पहले आलू जो है ना आखिर में डालूँगी, पहले टमाटरों को अच्छे से भून लूँगी, मैंने भरते में भी नमक डाले और थोड़ा सा नमक मैं टमाटरों में डालूँ, क्योंकि टमाटर अच्छे से पक गए हैं और इसमें आलू का जो भरता है इसमें थोड़ा सा जो है ऑयल ज़्यादा जाता है, और प्याज जो है ना कच्चे आलू जो मैंने बनाए थे उसमें डाले हैं, ये जो इतना मज़ा करते हैं ना प्याज को, जो जीरे का जायका आता है, इसको अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी और
इधर दम पे रखूँगी, ऊपर से गर्म मसाला डालूँगी, मस्त तैयार हो जाएगा। कलर ही कितना प्यारा लग रहा है, इसे देख के थोड़ा सा मिक्स कर दूँ। सिलेंडर पे बर्तन घूमते बहुत हैं, और इस वक्त पराठे के साथ इतना मज़ा करते हैं, और दोपहर में तो वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने तो शाम के लिए बनाए, क्योंकि आज मंडे सब्ज़ी दाल क्या बनाए, तो चले ये बना लेते साथ सलाद गुलाब बना लेंगे तो मज़ा करेगा। खीर मैंने पहले बना ली प्रसाद के लिए, और आज तो बिल्कुल बाहर में निकली ही नहीं, थोड़ी सी देर दरवाजे पर देखा था कि धूप इतनी ज़्यादा आई हुई है, बस फिर मैंने ली। तो ये भी आज बाहर नहीं निकले, इनके भी हाथ पे ज़रा सा वो रेंज लग गया, तो उस वजह से काफ़ी दर्द, पूरी उंगली जो है ना ब्लू हुई हुई है। तो बस इसको थोड़ा सा ऊपर से गर्म मसाला डाल के इसकी खुशबू और जो जीरे का जायका और जो प्याज का जायका ना बहुत मज़े का आता है ये गर्म मसाले का। दो तीन मिनट के लिए उसको दम पे रखूँगी और ये रेडी, कितनी जल्दी बन जाते हैं। बस आलू बॉयल होने चाहिए, और ये शुक्र है कि कुकर में आलू जल्दी बॉयल हो गए। देखिए कितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं, और खाना भी रेडी हो गया है, खीर भी बन गई है। तो बस जल्दी से पहले बर्तन धोते हैं, ये मैंने कहा आप पानी लगा दें, ये पानी लगाते तो फटाफट बर्तन, देखें बर्तन थोड़ी सी देर में कितने सारे बर्तन इकट्ठे हो गए। अभी बस पूजा से फारिग हुए हैं और लाइट नहीं है, लाइट का तो हर वक्त का ही मसला होता है। तो बस अभी फारिग हुए, तभी जा रहे हैं बाजी की तरफ। तो मैंने कहा चलिए थोड़ी सी वहाँ बाहर की भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, आज तो बाहर निकले ही नहीं हूँ। तो बस अभी पूजा वगैरह करके फारिग हुए हैं, प्रसाद वगैरह खाया है, तो मैंने कहा बैठे हुए थे तो मैंने कहा चल चलते हैं इनसे, मैंने कहा चलते हैं आके फिर खाना वगैरह खा लेंगे। रोटी तो मैंने सालन तो मैंने बना लिया, आलू का भरता बनाया मज़ेदार सा, चटपटा सा, इतना मज़े का लगा, इनको मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके कहे बहुत मज़े का बने। तो बस अभी रेडी हुए हैं, चलते हैं वहाँ पर, फिर वहाँ की भी थोड़ी सी आप लोगों के साथ वीडियो आके शेयर करते हैं। बजरी वगैरह आई थी और अभी इन्होंने सारी यहाँ से सफाई करी है। हमारे जो ये दहलीज़ है ना, यहाँ पर बच्चे आके सब इधर के, यहाँ हमारा दरवाज़ा ही नहीं खुल रहा था, तो उन्होंने सारा झाड़ू से उस तरफ की, कल भी उन्होंने सारी झाड़ू दी थी और उस तरफ किया था, लेकिन बच्चे जो है ना, अगलों का तो बेचारों का काम हो रहा है, लेकिन बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं, सारा फैला देते, सारा दिन बच्चे इसके ऊपर बैठे हुए होते हैं आके, इनको ना ये गर्म लगती है और ना कुछ। अभी गली में देखे कोई भी नहीं है, तो बाइक स्टार्ट करें, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही, लगता है इसमें पेट्रोल बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो मैंने इनसे कहा आप जाएँ पेट्रोल डलाएं, हम लोग पीछे आपके पैदल पैदल आ रहे हैं, बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हो रही है। देखें आपने चेक नहीं किया था, जैसे दो तीन दिन चली भी ज़्यादा है ना। चलें आप जाएँ ऐसे ही ले जाएँ, या तो स्टार्ट हो जाए तो स्टार्ट करके ले जाए, वरना जाए हम लोग भी पीछे पैदल आते हैं। ठीक है, स्टार्ट नहीं हुई तो हम ये भी पैदल ही साथ चल रहे, कह रहे हैं मैं भी पैदल ही चलता हूँ बाहर तक लेके। ये शुक्र है कि हमारे यहाँ इलाके में है पीछे बाज़ार में पेट्रोल पंप खुल गया है, तो उससे ज़रा सहूलत होगी, वरना सदर तक इसको ऐसे ही लेके जाना पड़ता। बस अभी हम लोग जा रहे, इधर आइसक्रीम वाला भी आया है लेकिन गला ख़राब है, इस वजह से नहीं खाऊँगी। बस इसने ज़िद करी कि माँ मैं तो खाऊँगी इसके, मैंने कहा चलें आप ले लें, बच्चे इतने एक तो रास्ते में आ रहे हैं, सभी निकल रहे, खाओ ना आप जी। बाहर खड़े हुए स्टॉप पे इनका इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक नहीं आए क्योंकि ये पीछे से गए और हम लोग उसी साइड से आ गए, तो हम वेट कर रहे हैं इनका कि आ जाए तो फिर हम लोग जाते हैं। ये अब आ गए हैं तो हम बाइक में जा रहे हैं, काफ़ी देर से हम खड़े हुए थे, बल्कि पसीने भी आने लग गए, इतनी देर से वेट कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं, जाहिर सी बात है टाइम लगता है पैदल इस तरह लेके जाने में। सभी जा रहे हैं, रश कितनी टेक्स टाइम पे, उधर से मैं आपको दिखाती हूँ कि देखिए कितनी रश है। ये देखिए खुदे हुए भी काफ़ी टाइम हो गया और अभी तक ये सड़क बनी नहीं है ना, तो यहाँ से जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है ना, इतने ज़्यादा झटके लगते हैं। पहुँच के तो चलेंगे, हफ्ते दस दिन सफ़र हो गया, लेकिन अभी तक ये बनी नहीं है जी। तो व्यूअर्स अभी हम लोग घर आए हैं और वीडियो में मैंने वहाँ नहीं बनाई, बस बैठे हुए गपशप कर रहे थे, दोनों बच्चे आए हुए थे कुछ पढ़ने वाले, तो गपशप पे लगे रहे थे, बस अभी घर आए हैं। तो मैंने कहा चले वीडियो का एड भी कर देती हूँ, और उम्मीद है आज की दिन की जो आपके मंडे के दिन की सारी रूटीन जो शेयर की आप लोगों को पसंद आएगी, और जो मेरे नए बहन भाई आ रहे थे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर। और अभी जो है ना बाहर काफ़ी गर्म मौसम हो रहा है इस टाइम पर भी, हम लोग अभी आए ना जहाँ जब माल रोड पे से आए ना तो वहाँ ठंडक थी, जैसे अपने एरिया में आए ना तो गर्माइश थी, वहाँ दरख्त लगे हुए थे, इसलिए कहते हैं कि दरख्त ज़रूर लगाएं, पौधे लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, ये दरख्तों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है और जो ठंडक भी है ना इन्हीं से मिलती। तो जैसे हम लोग माल रोड से अपने एरिए की तरफ आए, मैंने कहा देखो यहाँ पर किसी तपिश है, और माल रोड पर तो थोड़ा सा मौसम बिल्कुल चेंज था, मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ भी चले थे अपने अपने घरों के बाहर ज़रूर एक दरख्त ज़रूर लगाएँ। हम लोगों ने तो यहाँ लगाए हुए हैं लेकिन इस साइड पे नहीं है, उधर तो है, इधर सामने इमरान भाई के घर के पास लगा हुआ है, तो इसी तरह हम लोगों सबको जिनके घर के पास जगह है ना तो अपने पास घरों के बाहर दरख्त ज़रूर लगा। तो
तो फिर आप लोगों से कल मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना रखिएगा, बहुत सा ख्याल हमें रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।